Hello friends, namaste. I really hope and wish that you and your families are doing good and that your paper for FR went really well. So I am CA Priyanka Purohit, a recently qualified chartered accountant, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं FR के पेपर का एनालिसिस। अगर एक लाइन में कहूँ तो जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, मैनेजेबल था, लेकिन लेंदी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सीम क्वेश्चन आए थे लेकिन लेंदी बहुत ज़्यादा थे, तो लोगों को थोड़ा इस लेवल पर डिफिकल्ट लगा, लेकिन ओवरऑल पेपर ईजी था। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एनालिसिस के साथ। इसके अंदर मैं आपको सजेस्टेड आंसर का सोर्स बताऊंगी, यानी कि आपको ये ICAI के मटेरियल में कहाँ देखने को मिलेगा, क्या कौन से पेज नंबर पे देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि आप आगे भी ऐसी वीडियोज़ देखते रहें। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, वो बेस्ड था हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, यानी कि 103 के ऊपर था। और ये जो क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा ICAI के मटेरियल से ही कॉपी पेस्ट हुआ है। मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ, ये देखिए इलुस्ट्रेशन नंबर 40 13.104 के ऊपर जो प्रोफेशनल और डायनामिक वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये जो ये 10 रुपीज़ ईच और 100 रुपीज़ ईच था, इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत थी कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम SM वाला ही है। इसके बाद जो क्वेश्चन 1 का बी पार्ट था वो अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ लोन के ऊपर था, जो कि इंड AS1 के ऊपर बेस्ड है, और ये आपको SM में कहाँ मिलेगा, तो ये रहा इलुस्ट्रेशन नंबर 14 जो कि आपको पेज नंबर 2.41 के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट CSR के ऊपर बेस्ड था, ये इजी क्वेश्चन था। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको कमिटी का इससे फॉर्म करनी है, यानी कि लॉ एक्सप्लेन करना था, और थोड़ा बहुत एकदम बेसिक क्वेश्चन था CSR के ऊपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी और सी पार्ट, दोनों ही पार्ट इंड AS115 के ऊपर बेस्ड थे। एक के अंदर पूछा गया था डिटर्मिनेशन ऑफ रेवेन्यू आपको बताना था, तो ये आपको एज इट इज़ तो SM के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका कुछ पार्ट आप SM में और कुछ पार्ट आपने RTP के अंदर कवर किया होगा, तो ये भी आप मैनेजेबल क्वेश्चन था, एकदम सीन नहीं था लेकिन मैनेजेबल था। इसके बाद में जो सी पार्ट था उसके अंदर अगेन 2 पार्ट थे, तो ये जो नट बोल्ट्स वाला पार्ट है वो अगेन क्वेश्चन नंबर 6 है SM के अंदर पूछा हुआ है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि था डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के ऊपर, और ये आया था हमारा इंड AS19 के अंदर से। ये अगेन आपका SM का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 9.77 पे देखने को मिलेगा। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पेज नंबर 9.77 के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, काफ़ी तो फिगर्स भी सेम हैं इसके अंदर, कुछ कुछ फिगर्स में चेंज किया गया है। इसके बाद में जो बी पार्ट है वो बोरोइंग कॉस्ट से पूछा गया है, जो कि इंड AS हमारा 23 है। ये अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 7.261 के ऊपर देखने को मिलेगा। ये देखिए निकेल लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 8 7.261 के ऊपर है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट जो था वो इंड AS 21 के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 7 एट द पेज 10.104 के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ग्लोबल लिमिटेड वाला और मार्क लिमिटेड वाला, सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A जो था वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऊपर था, जो कि अगेन SM का क्वेश्चन है, वो आपको देखने को मिलेगा। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है ये, पेज नंबर है इसका 12.195। उसके बाद जो बी पार्ट है वो 6 मार्क्स के लिए थियरी क्वेश्चन था, तो ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के ऊपर था, और दूसरा था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो ये अगेन आप SM से कवर कर सकते हैं 6 मार्क्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट था वो था गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर, यानी कि इंड AS 20 पर बेस्ड था ये क्वेश्चन, और ये आपको SM के अंदर देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है 5.22 पेज नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं, ये 22 और 23 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, यही आपके क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चन 5 का बी पार्ट है वो है हमारा इंड AS 105 के ऊपर बेस्ड है, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा आपके SM के अंदर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 105 इंड AS के अंदर 7.461 पेज नंबर के ऊपर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो सी पार्ट था वो था हमारा बेसिक और डाइल्यूटेड EPS के ऊपर, ये अगेन आपका इंड AS 33 के ऊपर बेस्ड है, और ये आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे मार्क किया गया है, यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उसके अंदर 4 पार्ट थे। सबसे पहला वाला जो पार्ट था वो इंड AS 113 के ऊपर बेस्ड है,
ये वाला क्वेश्चन, ये 113 के ऊपर बेस्ड है और ये अगेन एसएम का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 8 का ए पार्ट है ना, फर्स्ट वाला पार्ट वो पूछा गया था आपको, जो कि पेज नंबर 4.113 के ऊपर दिया है, इंड एस 113 के अंदर। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो अगेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर था, 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिसके अंदर आपको ए सी एम फाइंड आउट करना था, तो ये एक मैनेजेबल क्वेश्चन था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी का जो था वो भी क्लासिफिकेशन और री क्लासिफिकेशन के ऊपर था, ये भी मैनेजेबल था। और लास्टली जो हमारा डी पार्ट था वो है हमारा अगेन एसएम का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ये देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि पेज नंबर 13.113 के ऊपर दिया हुआ है, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बुक में। तो दिस वॉज इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और हाँ स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। सो दिस इज़ मी प्रियंका पुरोहित, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एसएफएम पेपर।